हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर मिश्रा। बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और कई सारे ऐसे इंग्लैंड के खिलाड़ी जो ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं है, जो सीधा इंग्लैंड से आ रहे हैं, वो बड़ी अपडेट आ रही है कि चेन्नई पहुंच चुके हैं और चेन्नई के होटल लीला पैलेस में वो रुकेंगे। आज से उनका क्वारंटीन शुरू हो जाएगा और 2 फरवरी तक ये क्वारंटीन रहेगा। 2 फरवरी से ये खिलाड़ी ट्रेनिंग अपनी शुरू कर पाएंगे, ये पूरा इनका शेड्यूल है। अब क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, इस होटल में सारी सुख सुविधाएं उनके लिए मौजूद हैं। टीम इंडिया के साथ जैसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, टीम इंडिया ने ऐसा दूसरी टीमों के साथ नहीं किया है। टीम इंडिया का याद होगा आपको, जिस होटल में ब्रिस्बेन में रुकी थी, कोई वहां पर सर्विस ही नहीं थी, सर्विस के नाम पर शून्य था वहां पर। और टीम इंडिया ने लेकिन यहां पर सारा इंतजाम इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए किया है और बड़ा होटल है और टीमें ज़्यादातर इसी, जब भी चेन्नई जाती हैं तो इसी होटल में रुकती हैं। यहाँ पर बेन स्टोक्स पहुँच चुके हैं, जोफ्रा आर्चर पहुँच चुके हैं। हमने कल आपको खबर दिखाई थी कि वहाँ से उड़ने से पहले, टेक ऑफ से पहले क्या ट्वीट किया था बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर ने। बेन स्टोक्स ने कहा था रेडी टू गो, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तस्वीर भी डाली थी। जोफ्रा आर्चर भी उनके साथ हैं और कई सारे और भी खिलाड़ी उनके साथ हैं जो टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं है। बाकी के जितने खिलाड़ी हैं वो 27 तारीख को सीधा श्रीलंका से चेन्नई पहुंचेंगे और फिर वो भी क्वारंटीन में रहेंगे। 2 तारीख से पूरी इंग्लैंड की टीम जो है वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देगी, यानी कि इंग्लैंड की टीम के पास 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये रहेंगे 3 दिन रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद 5 तारीख से तो टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। कैसी लगी खबर बताइएगा, बाकी कोई और अपडेट आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।